हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्योर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल नंबर विल बी 5.7। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास ऑफ द बॉडी इज गिवेन, इट इज 5 kg। नाउ व्हाट एक्टेड अपॉन बाई टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। ओके, देयर आर टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, ये हमने बॉडी ड्रॉ कर ली है और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, लेट से F1 F2। ओके, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल है। ओके, एंड दीज आर ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, दिस इज 8 न्यूटन फोर्स। ओके, ये हमारे पास 8 न्यूटन फोर्स है एंड ये जो है 6 न्यूटन फोर्स दे रखा है हमको। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है इसमें, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो देखिए ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे और उससे रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स लेट से ये है और ये 8 न्यूटन फोर्स के साथ लेट से थीटा एंगल बनाता है। ओके, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज विल बी गिवन बाय, वी विल राइट द रिजल्टेंट फोर्स इज, रिजल्टेंट फोर्स होगा लेट से F और इसकी वैल्यू होगी, जब दो फोर्स या दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू आती है हमारे पास F1² + F2². ओके, ये इस वजह से है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं और दोनों वेक्टर्स मान लीजिए परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो A² + B² + 2AB cos θ आता है हमारे पास। ओके, और cos थीटा क्योंकि 90 डिग्री है परपेंडिकुलर होने पर, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है cos थीटा, तो अगर cos 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये वाली टर्म हट जाती है। तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दो फोर्स हैं तो इनके रिजल्टेंट के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए, देन इट विल बी F=√ F1 की वैल्यू रखेंगे 8² + 6² ओके, एंड इट विल बी 8² = 64 + 6² = 36 ओके, नाउ इट विल कम आउट टू बी 64 + 36 इट विल बी 100 ओके, 100 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। इट मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन होगा एंड इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। जब हमारे पास नेट फोर्स आ गया है, रिजल्टेंट फोर्स आ गया है, देन वी कैन गेट एक्सेलरेशन थ्रू दिस बाय द फॉर्मूला A = F/m। तो देखिए उसे कैसे करेंगे, ये पार्ट रेज कर रहे हैं, होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन A = F/m। ओके, ये हमारे पास आएगा तो F की वैल्यू रखेंगे हम 10 ओके, एंड मास दे रखा था हमको 5 ओके, सो इट विल बी 2 m/s². तो हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया था, 2 m/s² एक्सेलरेशन आ गया, बट क्योंकि एक ये जो एक्सेलरेशन होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी होगा। तो इसकी हम डायरेक्शन इन दोनों फोर्सेज के रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल दें तो वही डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन की आएगी। तो यहां पर लिखेंगे this acceleration will be directed in the direction of resultant force
तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन देखिए हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम डायरेक्शन निकाल पाए तो वही डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन की भी होगी, विच इज गिवन बाय। अब देखिए ये अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं, ओके, इसको थोड़ा सा रिजल्टेंट को आगे मैंने फॉरवर्ड कर दिया और ये एक मैंने ट्राइंगल बना लिया, तो इसमें ये जो वैल्यू होती है वो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम बनता है, ओके। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो अगर मैं ये एक ट्राइंगल ले लू, इसको ले लिया मैंने ओ ए बी, तो इस ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा निकाल देता हूं, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल से क्या निकाल रहे हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू, ओके। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, और लेट्स से टेन थीटा निकालिए, है ना। क्यों निकाल रहे हैं टेन थीटा, क्योंकि हमें ऐसा एंगल चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। बेस की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू इसके बराबर होगी जो कि 6 न्यूटन होगी। सो वी विल गेट टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इट विल बी एक्चुअली हमारे पास कितना होगा, ये टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड इट विल बी 10/8, और वी कैन से इट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4, ओके। तो देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं 4 की, तो हमें वैसे ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, तो हम ये भी कह सकते हैं द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और एंगल ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 10 इनवर्स ऑफ 4 विद द 8 न्यूटन फोर्स, ओके। ऐसे भी इसको बोला जा सकता है। दूसरा इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर हमने ये रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर ही लिया है, तो रिजल्टेंट फोर्स ये हमारे पास आ गया है 10, ओके। ये रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 10 आ गया था यहां से, तो दूसरा तरीका हम इसी को ही कॉस थीटा के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं दूसरा तरीका क्या होगा इसी एंगल को या डायरेक्शन को बताने का, इट विल बी फ्रॉम ट्राइंगल अगेन ओ ए बी। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम इसको लिखेंगे ओ ए अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस विल बी OB/OA, ओके। दिस विल बी, तो ओ ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी है 8, ओके, एंड ओ ए जो है वो हमारे पास 10 है, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.8। तो ये वैल्यू जो आती है थीटा की कॉस में, ये लगभग 36 डिग्री आती है, यहां से आती है लगभग 36.8 डिग्री। देन दिस विल बी द एंगल ऑफ द एक्सेलरेशन विद द 8 न्यूटन फोर्स, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन विल बी एट 36.8 डिग्री विद 10 न्यूटन फोर्स और विद 8 न्यूटन फोर्स, ओके, विद 8 न्यूटन, ओके। दिस इज हाउ वी कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, तो आंसर इस टर्म्स में भी दिया जा सकता है और आंसर इस टर्म्स में भी दिया जा सकता है। अब ये 0.8 की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती नहीं है, बट ये हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखे तो मेरे को ये वैल्यू याद है। बट आप यहां पर भी अगर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो ये आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ओके, क्योंकि ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें टेबल में दी नहीं होती। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, उसकी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन FM से हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5.8 क्या गिवन है इसमें वैल्यू, इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर
पर आवर। एक ड्राइवर है वो इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो देखिए अगर स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में दी गई हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। 5/18 की मल्टीप्लाई इसके लिए हम करते हैं, 36 × 5/18। अब ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, तो 18 से ये 2 टाइम्स इट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड। इट इज इनिशियल स्पीड ऑफ द थ्री व्हीलर। नाउ नेक्स्ट इज सी द चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल इन व्हीकल टू द रेस्ट इन 4 सेकंड्स। ये जो है अपने ब्रेक लगाता है एक बच्चे को सड़क पर देख के, और कितने टाइम में ये रुक जाता है, इट इज 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड्स टाइम में वो जो ब्रेक लगा के रुकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर बिकम जीरो बिकॉज ही स्टॉप्स व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। ओके, नाउ जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, मतलब बच्चे को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, तो हमको रिटार्डिंग फोर्स पूछा गया है। ओके, रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स क्यों होगा इसमें, क्योंकि बेसिकली उसने जब ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट मींस देयर इज रिटार्डेशन। तो पहले हम बेसिकली क्या करेंगे, रिटार्डेशन लगाएंगे, रिटार्डेशन निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, और रिटार्डेशन निकाल के फिर हम रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो वी आर राइटिंग बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, और कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, जिसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी आती हो, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन भी आता हो। तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, लगा दी हमने वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, तो v की वैल्यू हो गई है जीरो, u आ रहा था हमारा 10, प्लस a हमको निकालना है, a मीन्स रिटार्डेशन निकालना है, और कितने सेकंड में वो रुक रहा है, 4 सेकंड में। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -4 × a = 10, और यहां से a आ जाएगा हमारे पास 10/4, इट मीन्स इट विल बी माइनस ऑफ 2.4, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट इट इज रिटार्डेशन और देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रिटार्डेशन का केवल मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे एंड फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू एम ए, रिटार्डिंग फोर्स निकालने के लिए। ओके, सो वी विल सी, वी विल राइट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, केवल हम इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। देन इट विल बी गिवन बाय एम ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट। अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें देखना है कि मास कितना है, तो इसमें ये दिया हुआ था कि जो हमारा थ्री व्हीलर है वो 400 केजी मास का है, उसके साथ साथ ड्राइवर का मास भी है 65 केजी। सो वी विल यूज मास ऑफ द ड्राइवर, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ हो गई है इस वजह से थोड़ा सा आपको डल दिखेगा। ठीक है, तो मास ऑफ द ड्राइवर एंड थ्री व्हीलर विल बी व्हाट, वी विल सम आउट दीज टू एंड इट विल बी 400 + 65। ओके, इन दोनों को सम कर देते हैं और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको स्मॉल m बोल दीजिए, इट विल बी 465 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन विल बी 2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप फोर्स को, रिटार्डिंग फोर्स को न्यूटन में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 × 5 = 125, कैरी 12, 25 × 6 = 150 एंड 12 = 162, 2 कैरी 16 कैरी 2.2 यहाँ पर आ जाएगा एंड 25 × 4 = 116। ओके, एंड पॉइंट विल बी हेयर, सो द रिटार्डिंग फोर्स विल बी 1162.5 न्यूटन। दिस विल बी द रिटार्डिंग फोर्स दैट विल बी इन द थ्री व्हीलर। ओके, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
सॉरी हमारे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो गई है, इस वजह से ये थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, बट सिंपली वी हैव डन कि हमने फॉर्मूला यूज किया है एफ इक्वल्स टू एम ए, और जो मास है वो थ्री व्हीलर का और ड्राइवर का एड करके हमने इस रिटार्डिंग जो रिटार्डेशन है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो द आंसर विल बी 1162.5 न्यूटन. ओके, दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. So thanks a lot for watching. Keep on watching, keep on learning. Thank you so much. That's all.